नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। हमारी भारतीय टीम अब वर्ल्ड चैंपियंस है। हमारे पास T20 इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है, लेकिन हम फिर भी जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम से हार गए थे अपने पहले ही T20 मैच में। लेकिन इस टीम में वो खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, बल्कि इस टीम में कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे, जिसमें से एक नाम अभिषेक शर्मा का भी था। लेकिन अपने पहले ही मैच में शून्य पर आउट होने के बाद कई सवाल उठने लगे थे कि क्या इन नए खिलाड़ियों को मौका देकर कोई गलती कर दी, क्या इन्हें टीम में होना चाहिए था। इन सभी सवालों का जवाब अभिषेक ने जिम्बाब्वे के साथ अपने दूसरे मैच में अपनी तूफानी पारी और शतक से दे दिया है और उन सभी का मुंह बंद कर दिया जो इनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब अभिषेक शर्मा ने अपने शतक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। क्या उनके शतक में शुभमन गिल का बहुत बड़ा हाथ है? अब वो कैसे, आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज में अपना पहला ही मैच भारत हार गया था। इस हार को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत ने उसका बदला भी ले लिया। अपने दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से करारी शिकस्त दी और बता दिया कि आखिर वर्ल्ड चैंपियंस कैसे खेलते हैं। खैर, इस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब अभिषेक शर्मा को मिला, जिन्होंने मात्र 47 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 100 रन की तूफानी पारी खेली थी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने शतक लगाने के बाद खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उनके शतक में शुभमन गिल का बड़ा हाथ है। दरअसल अभिषेक ने बताया कि वो शुभमन गिल के बल्ले के साथ खेल रहे थे। बल्ले को लेकर अभिषेक ने कहा कि आज मैंने शुभमन गिल के बल्ले से खेला, इसलिए बल्ले का भी शुक्रिया। अंडर 12 के दिनों से ही मुझे लगता है कि ये होता रहा है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दबाव वाला मैच है या फिर ऐसा मैच जहां मुझे परफॉर्म करना चाहिए, तो मैं अक्सर उसका बल्ला लेता हूं, यानी शुभमन गिल का बल्ला लेता हूं। यहां तक IPL में भी आमतौर पर एक बल्ला उससे मांगता हूं। उन्होंने मुझे बैट दिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रहा। वैसे आपको बता दें कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। 2018 के Under-19 वर्ल्ड कप टीम में भी दोनों साथ साथ थे। यहाँ तक कि दोनों पंजाब की ओर से घरेलू क्रिकेट में एक साथ खेलते भी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक को अपना बल्ला उधार देने वाले गिल इस मैच में 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे। खैर, भारत ने मैच जीतकर उन सभी का मुंह बंद कर दिया है जो ये कह रहे थे कि इन बच्चों से क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।